हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीए हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो हो गई हूँ मैं अब रेडी, अब जा रही हूँ मैं ससुराल। तो 4-5 दिन 5-7 दिन जो थे मैंने काट लिए यहाँ पर, तो अब मैं जा रही हूँ। तो यह मेरा बैग पैक हो गया है, तो अब जाने का टाइम आ गया है, तो अब निकलते हैं। मौसम जो है, जब से मैं आई थी यहाँ पे बारिश ही हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया है। तो घर पे भी काम लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या काम लगाया हुआ है। तो अभी मम्मी ने होना तैयार, तो मम्मी ने बनाई है चूल्ह, तो मम्मी की चूल्ह मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो, बनाई थी मम्मी चूल्हे हूँ घर लगा दी ए हूँ शह लगा दी बड़ी शह बनी गई की पचोला रखा कहता बस दो नी है चिक लगी होगी मती फिर तो मौसम देखो कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ से निकलूँगी घर के लिए, मम्मी डैडी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, तो जा रहे हैं मम्मी डैडी मुझे छोड़ने के लिए। तो भाई यहाँ से निकलूँगी, घर तो मेरा बहुत दूर है, एक दो घंटे लग जा 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो जाके देखूँगी अब वहाँ पे है। फ़ोन कर रही थी मम्मी को, तो मम्मी उठा नहीं रहे थे फ़ोन की, बता दूँ उनको। तो देखते हैं, चलो फिर चलते हैं आज ससुराल में। अब यहाँ पे जो हम बिल्कुल फ्री होके घूम रहे थे ना, वो ससुराल में वैसे नहीं घूमते हैं, क्योंकि कुछ ही क्या है कि वो जो है पता ही होगा आपको ससुराल के। चलो फिर देखते हैं ससुराल में जाके क्या होता है। चिंजी खा लेना दोनों जड़े चल गड्डी बंद है, खुले है वो तक, खुली उधर से। चलो अब हम चलते हैं अपने ससुराल, फोन इतनी आजादी थोड़ी मिलनी है। चलो निकलो, चलो ये पूरी अंकू दी पूरी लाइए करना। चलो जल्दी जाओ कमरा खाली करो, कत्या कमरा खाली। बच्चे बुला रहे थे जल्दी, बच्चे आई जाने 10 तरीक होना ना, ले ओनो जाए नवी पर दे ओ नदौने पे 2 बजे शोल जाएगा लेने। हां चलिया नु ले आना, फोन ती है चलना नहीं है गा, पता भी बस आंदी है अपने आप चलिया ने 10 तारीख पे। तो भी अपनी तैयारी बाहर करने लगदे ताली कर, पता हुंदा भी जाना ता भी ए डैडी तेरे। हां दोनों जने लड़ते रहते है। 50 रखनी की डैडी का बैग रखी लाना का रखी लाई अंगा आई अंगा
नहीं पीछे पता कि पीछे ठीक रहता। तो बस अब मैं ससुराल जा रही हूँ, तो बस जितना था वो टाइम काट लिया मैंने, तो बच्चे बाद में आएंगे यहाँ पर, तो मम्मी डैडी आएंगे छोड़ने के लिए। अभी भी फ़िलहाल जा रहे हैं, लेकिन वो हम मतलब आधे रास्ते तक जाएंगे मुझे, और आधे रास्ते पे मुझे बस में, यानी कि मैं जहाँ पे हमीरपुर जिले मतलब वो है, तो वहाँ पे मुझे जो है बस में बिठा देंगे, और आगे मैं डायरेक्ट जो मैं बस से कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो मैं उसमें डायरेक्ट जो आपको घर तक ही लेके जाऊँगी। तो ये कुछ मेरे घर मतलब मायके के बाहर का ही व्यू है ये वाला, तो मैंने पहले भी वीडियो डाली है यहाँ की। तो क्या हो बस तो गई हूं कदा ची गए। अच्छा क्या हो थिएटर जी, तो यहाँ जिस रोड से खराब था, तो ये देखो ये मेरे मम्मी जी के मामा जी के घर हैं, वहाँ से यहाँ पे हम भी आते थे आपको, और मेरी देवरानी के इनकी जो व्यू है तो आपको दिखाती हूं, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनाऊंगी जब जहाँ पे मुझे डैड ने छोड़ा, और उसके बाद जो बस में बैठ गई थी, तो उसके आगे का मैंने व्यू नहीं बनाया था, उनकी बस से मैंने कोई वीडियो नहीं ली थी। उसके बाद डायरेक्ट मैंने अपने ससुराल का ही व्यू बताऊंगी मैं आपको, वहाँ पहुँच के ही बताऊंगी मैं, ठीक है। तो फिर चलो फिर बने रहना मेरे साथ तब तक। पहुंच गए हैं अब हम हमीरपुर, जहां से मैंने जो दूसरी बस लेनी है, यानी कि डैडी और मुझे यहीं तक ही छोड़ेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि हम बाद में आएंगे जब बच्चे आएंगे उनको छोड़ने के लिए, शायद ये हमारे घर पे भी आएंगे तब मैं फिर से आपको इनके साथ मिलवाऊंगी। तो अभी हम हमीरपुर पहुँचने वाली हूँ, तो वहाँ से मैंने क्या करना है, बस ले लेनी है अपने गाँव की तरफ, लेकिन मैं आपको बस से कोई भी व्यूज़ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, तो मैं वहाँ से कोई व्यू नहीं दिखाऊँगी, सीधा डायरेक्ट मैं आपको अपने घर पे ही मिलूंगी। अब तो मेरे साथ अब आप मेरे घर पे ही मिलें, और बताती हूँ कि क्या काम लगाया हुआ है हमने वहाँ पे और कैसे कर रही हैं। तो चलिए फिर, तो अब मैं घर पे पहुँच गई हूँ अपने घर पे अपने ससुराल में, तो यहाँ पे काम लगाया हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि काम कौन सा काम लगाया हुआ है। तो अच्छा आई मम जी, तो अब दिखाती हूँ आपको वो भी, तो चलिए फिर दिखाई देती हूँ आपको ना सबसे पहले। तो बस मुझे एक डेढ़ घंटा नहीं मिली थी वहाँ पे भी, तो ये देखो कैसे हो। तो ये आम मुझे ठीक लगाई है, क्या बोला दे क्या ठीक नहीं आओ दी। तो ये लगाया हुआ हमने काम, तो पहले क्या था ऐसे पूरा ही बरंडा था ना हमारा, तो उसके बाद क्या किया हमने, ये देखो ये एक वाला रूम हमने, ये वाला रूम जो है एक्स्ट्रा डाला हमने, तो ये वाला एक जो दूसरा घर है ये नया घर है ये भी हमने डाला हुआ है, तो इसकी भी थोड़ी सी मतलब मुरम्मत कराने को थी, तो ऊपर वाला रूम है। तो अब चलो आस्ते आस्ते आपको गाँव की वीडियो भी मैं दिखाऊँगी। तो ये हमारी किचन है,
तो बड़ा काम पड़ा हुआ है। ये देखिए, तभी तो मैं बोल रही थी कि आपको, तो तभी तो मैं कह रही थी कि मैं चलो वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे तो, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस, वहाँ जाके मैं कुछ और हूँ, यहाँ जाके मैं कुछ और हूँ। अभी हिमाचल में आ गई हूँ, ससुराल में आ गई हूँ, तो बस घर काम करना है हमने अब, और चलते हैं अब। मम्मी मैं आई थी कोई एक, बस खाना वगैरह खाया मैंने और चाय वगैरह नहीं पी, तो बस फिर अब जाएंगे हम खेत में घास काटने के लिए। तो किस किस को लगता था कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो देख लीजिए मैं घर का सारा काम करती हूँ। अब यहाँ पे लगेगा पता कि असली ज्योति है क्या, वहाँ मैं बेटी थी मायके में, तो यहाँ पे मैं अब बहू हूँ, तो सारा काम करना पड़ेगा, खेत का काम करना पड़ेगा। और चलो अभी फ़िलहाल हम घास काटने के लिए जा रहे हैं, मम्मी ने अभी जो है भैंस को बाहर निकालने गए हैं, तो उसके बाद दिखाते हैं आपको, अब आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलो फिर ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अभी और पीऊँगी बहुत सी, देखते हैं। अब हमने पता क्या करना है, जैसे बताया हुआ ना, ये वाला जो स्लैप है ना, ये वाला, तो ये वाला जो हमने मतलब यानी कि तोड़ देना है हमने ऊपर का, तो तोड़ देना है हमने ये, तो क्योंकि ये क्या है कि मतलब पतला पड़ा हुआ, क्या था ये पतला पड़ा हुआ है बोलते हैं, थोड़ा सा गिरने का भी डर है ना इसका, तो अब ये कर देंगे। और ऐसे जो यहाँ पे रूम डाल लिया हमने, ऐसे यहाँ रूम वगैरह कुछ नहीं था, ये रूम डाला हमने, तो और एक रूम ये है और एक रूम ये है, तो बस अब स्लैब वगैरह पटेंगे, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलो फिर बनते हैं, ठीक है, तब तक मैं चलते हैं घास में।